हेलो फिटनेस लवर्स, आपका मेरे फिटनेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा मॉर्निंग डाइट रूटीन क्या होना चाहिए। सो जैसे हम सुबह उठते हैं हमें क्या खाना चाहिए, फिर जैसे हम वर्कआउट से पहले यानी कि प्री वर्कआउट मील तब हमें क्या खाना चाहिए, और वर्कआउट के बाद यानी कि पोस्ट वर्कआउट मील उसमें हमें क्या खाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि इन सब की नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होती। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या खा के एनर्जी मिलेगी और क्या खा के हमारी एनर्जी चली जाएगी। सो इस वीडियो का फुल बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो कि जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं आपको क्या पीना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, तो इस मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है वार्म वाटर। मैं पर्सनली वार्म वाटर के लिए इस ग्लास में वार्म वाटर अपना पीता हूँ। सो वार्म वाटर का एक बेनिफिट तो ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी में से ये टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है। तो एक और इसका ऑल्टरनेटिव है वो है हनी लेमन ड्रिंक। हनी लेमन ड्रिंक और जो वार्म वाटर उसके बेनिफिट लगभग सेम है, लेकिन अगर आपका फिटनेस गोल है वेट लॉस तो आप हनी लेमन ड्रिंक ही लीजिए। तो आप क्या यूज़ करते हैं, हनी लेमन ड्रिंक या फिर वार्म वाटर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो है हमारी प्री वर्कआउट मील, यानी कि हम एक्सरसाइज से पहले क्या खाएं। अब होता क्या है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घर में ही वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, रनिंग करते हैं, बाहर पार्क में एक्सरसाइज करते हैं, और ये सब करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो जो लास्ट आपने जो खाना खाया था वो खाया था रात को, और रात से लेकर सुबह के बीच में काफ़ी गैप हो गया, तो इसके बीच में आपने कुछ खाया नहीं है। तो इसके लिए वर्कआउट से 10 से 15 मिनट पहले आप एक बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, एक मीडियम साइज बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बनाना से होता क्या है, तो बनाना में होता है कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब्स करते क्या है, कार्ब्स में होता है फ्यूल, या आपकी बॉडी का फ्यूल है। जो भी आप एक्सरसाइज करते हो आप उसको देर तक कर पाओ इसके लिए आप बनाना कंज्यूम कर सकते हो। तो बनाने का सबसे सही बेनिफिट ये है, ये 12 मंथ्स अ ईयर अवेलेबल होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है। तो थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है पोस्ट वर्कआउट मील, यानी कि आपने बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया, अब वर्कआउट के बाद आप क्या खाते हो वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो वर्कआउट के बाद होता क्या है कि जैसे ही आप वर्कआउट करते हो आपकी जो मसल्स हैं, तो मसल के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसी से आपकी मसल बनती है। तो इसको बनाने मसल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खाते क्या हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। वर्कआउट के एक घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटीन्स का जो सोर्स है वो जो बेस्ट सोर्स है वो है एग्स। आप पूरा होल एग कंज्यूम कर सकते हो, आप 2-3 एग्स खा सकते हो, और क्या खा सकते हो आप, और आप बनाना खा सकते हो। बनाना आप प्री वर्कआउट में भी खा सकते हो और पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हो। और अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं है तो आप एक और चीज़ खा सकते हो जो थोड़ी टेस्टी है, वो है स्प्राउट्स। हाँ बोल सकते हो कि स्प्राउट्स टेस्टी कहाँ होते हैं, लेकिन वो टेस्टी होते नहीं है, लेकिन आपको टेस्टी बना ज़रूर सकते हैं। तो उनको टेस्टी बनाएं कैसे, तो स्प्राउट्स में क्या होता है कि आप हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स लो, उसको बाउल में डाल दो, फिर क्या करो कि अनार उसके अंदर डाल दो, फिर ऊपर से नींबू निचोड़ दो और उन सबको मिक्स कर दो। तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही टेस्टी पोस्ट वर्कआउट मील आपके लिए हो सकती है। सो जो चौथी और आखिरी चीज़ है वो है ब्रेकफास्ट। आप वर्कआउट के बाद प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर वर्कआउट के बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या है कि बहुत सारे हमारे इंडियन फूड्स हैं, इंडियन रेसिपीज़ है जो काफ़ी न्यूट्रिशनल है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, बेसन का चीला। तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हो। और क्या आप खा सकते हो, आप खा सकते हो ब्रेड, जो वाइट ब्रेड आता है आपको वो नहीं लेना है, वो आपको नेगलेक्ट करना है। आप इसकी जगह खा सकते हो होल व्हीट ब्रेड आते हैं, ब्राउन ब्रेड, उसमें आप पीनट बटर ऐड करके खा सकते हो। सो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। थैंक यू गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो आज की वीडियो में हमने चार चीज़ें देखी। सबसे पहली चीज़ देखी कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में हम लोग क्या पिए, सेकेंड चीज़ देखी कि प्री वर्कआउट में हम लोग क्या खाएं, तीसरी चीज़ देखी कि पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाएं, और चौथी चीज़ देखी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।
and you can also give me suggestions for my upcoming videos in the comment down below. So I will see you in my next video.